नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन फार्मर में। दोस्तों आज मैं आपको एक जुगाड़ बताने वाला हूँ। जुगाड़ का नाम है तोटी जुगाड़, हमारे यहाँ तो कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं वीडियो देखने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को फ्लड इरीगेशन से पानी देना पड़ता है ज़मीन से, क्योंकि क्या है कि कभी खेत में आपको ड्रिप इरीगेशन से पानी, मतलब इरीगेशन सिस्टम लगाने के लिए उतना पैसा नहीं होता है, या तो बजट नहीं होता, या तो कुछ फसल ऐसे लगाते हैं 2-3 महीने की उसमें इरीगेशन की ज़रूरत नहीं थी, फ्लड से ही वहाँ पे पानी देते हैं, जैसे गेहूँ वगैरह हुआ। तो वहाँ पे तोटी जुगाड़ कैसे यूज कर सकते हैं वो आज हम देखने वाले हैं, सस्ते में कम खर्चे में पानी कैसे दे सकते हैं। तो आज के वीडियो पूरा अंत तक देखना, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, मेरा ये ड्रिप इरीगेशन का खेत है, यहाँ पे देखिए गन्ने की पूरी खेती है, ये देख सकते हैं आप, और यहाँ पे अभी पानी मेरा चालू है, ये देखिए। लेकिन अभी क्या है कि मैंने खेत में पानी चालू कर दिया है और यहाँ पे मुझे क्या करना है कि फ्लड इरीगेशन से पानी देना है, क्योंकि क्या होता है कि जब गन्ना कटवाई हो जाती है तो उसके बाद फ्लड से पानी देते तो गन्ना बहुत ही अच्छा आता है, ड्रिप से भी अच्छा आता है। लेकिन अभी मेरा मूड है कि मैं ज़मीन से देना चाहता हूँ। अब मेरे लिए यहाँ पे तो मैं नाली बना नहीं सकता, दिक्कत हो सकती है, इधर से अलग से एक नाली बनानी पड़ेगी। इसी तरीके से आपके कई सारे खेत होते हैं और ये जुगाड़ मैंने कई जगह पे देखा है, मेरे खेत में भी हमेशा पहले होता था, लेकिन अब इरीगेशन बिछी हुई है, फिल्टर वगैरह लगा हुआ है तो इरीगेशन से ही पानी जाता है। कई दफ़ा आपकी इरीगेशन जो है चोक भी हो जाती है, चोक होने के बाद आप साफ सूफ करने में काफ़ी दिन चला जाता है, तब तक खेत में पानी नहीं मिलता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो एक सबसे अच्छा बात बताता हूँ, आप हमारी लाइन वहाँ से चालू हो गई है, वो देखिए हमने एक छोटा फिल्टर डाला है और वहाँ से ये सब लाइन बिछी हुई है, देख सकते हैं, और सब लाइन पे हम लोगों ने यहाँ पे 16 mm का होल लिया है, होल लिया उसके ऊपर हम लोगों ने ओपन ग्रूमेट लगाया, उसके बाद टेकअप लगाया और उसके बाद यहाँ पे पाइप चढ़ा दी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि सीधा तरीका है, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे ये लगाया है जॉइनर, इसको सीधा निकाल दीजिए इस तरीके से, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये दूसरा निकाला, इस तरीके से हमारा ये खेत में हम क्या करेंगे कि पूरा जो हमारा जॉइनर लगा हुआ खेत है इस तरीके से हम निकाल देंगे, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सीधा जो है फ्लड इरिगेशन से पानी जा रहा है, आगे इस तरीके से बहता जाएगा, ये देखिए। अब ये दोस्तों बहुत ही बेहतरीन जुगाड़ है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर किया मैंने, जो हमारी सबलाइन बिछी है उसमें जो पाइप लगी है उसको खोल दिया और इस तरीके से ये 16 mm के पानी इस तरीके से जाता रहेगा। अगर आपको पानी यहाँ पे पाइप नहीं लगानी है, यहाँ पे एक और आइडिया है, इसको सीधा यहाँ पे छेद मार दी, इसी छेद में से सीधा पानी जाता रहेगा आगे, और यहाँ पे देखिए मेरा सीधा फ्लड इरीगेशन से पानी जा रहा है कितना बेहतरीन तरीके से, ये देखिए। अब ये मैं ऐसा शाम तक चालू रखूँगा, सीधा पानी नीचे जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात ज़रूरी है कि जिसके पास पानी की कमी है वो लोग इसको मत करिएगा, नहीं तो पानी वेस्टेज हो जाएगा। जिसको पानी ठीक ठाक है वो लोग ऐसे कर सकते हैं, और जो फसल को ज़्यादा ज़रूरत है फ्लड इरीगेशन से पानी देने की, तभी इस चीज़ को यूज़ कीजिए। और ज़्यादातर मेरे हिसाब से गन्ने में, गेहूँ में, जहाँ पे खास करके ज़्यादा पानी की ज़रूरत है वहीं पे ऐसे यूज करिएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छे से पानी यहाँ पे फ्लड से जा रहा है, ऐसा पूरा खेत में खोल दीजिएगा और धीरे 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 पानी सिंचाई होती रहेगी। 2-3 घंटे मेरे हिसाब से 150-200 फीट तक मेरा पूरा पानी नीचे पहुँच जाएगा। और ये तोटी जुगाड़ है दोस्तों, इस तरीके से पानी, ये देखिए कितना दूर तक उड़ता है, इसको ऐसे फिट कर देंगे आप बांध के, ये देखिए ये पानी दूर तक उड़ेगा और आगे चला जाएगा, बस इसको इसे एक डंडी बांध दीजिए, ये देखिए। और हमारे यहाँ तो महाराष्ट्र में बहुत ऐसा जुगाड़ यूज़ किया जाता है, हर लोग हमारे यहाँ यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पानी है तो ड्रिप इरीगेशन आगे मत बिछाइए, इसको सीधा बांध दीजिए और सीधा पानी इसे कूलर से दिखिए। अभी ये देखिए इतने में कितना कहाँ तक चला गया, ये देखिए, ये देखिए एकदम यहाँ से 500 फीट तक पानी पूरा आगे चला गया। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे फ्लड से पानी, मैंने कैसे टोटी खोला और टोटी से पानी आगे जा रहा है। तो इस तरीके से आप टोटी जुगाड़ बना के उसको आसानी से पानी की सिंचाई आपके खेत में कर सकते हैं। लेकिन एक है कि जो लंबे में खेत है, सपाट है, समतल है, वहीं पे आप इसको टोटी जुगाड़ यूज़ करिएगा। हर जगह पर टोटी जुगाड़ यूज़ नहीं काम करेगा, ऐसे ढलान चढ़ान रहेगी ऊपर तो पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा,
क्योंकि मेरे यहाँ सपाट भाग है, जैसे देख सकते हैं पानी तुरंत मेरा आगे भागने लगा, ये देखिए यहाँ पे। तो ये सब जुगाड़ जो है सपाट खेतों में ही यूज़ कीजिए, बहुत ही बेहतरीन से आपके पैसे की बचत हो जाएगी, इरीगेशन बिछाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास पानी ज़्यादा और खेत की कमी है कम है तो बहुत ही अच्छा है, कम खर्चे में हो जाएगा। लेकिन ये सब जुगाड़ तोटी जुगाड़ आप वेजिटेबल में नहीं कर सकते हैं, आप इसी सही से यही जगह ने हुआ, गेहूँ हुआ, जो बाकी सारे फसलें हैं मकई हुआ, इसमें आसानी से कर सकते हैं। और इसमें से खाद भी आप दे सकते हैं, वही में जहाँ पे हम लोगों ने फिल्टर लगाया है वहाँ से सीधा कोई पंप वगैरह से दाब के इसे छोड़ सकते हैं, धीरे धीरे आसानी से जाएगा। तो दोस्तों आपको ये तोटी जुगाड़ कैसे लगा और आप इसको यूज़ करते हैं कि नहीं, कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइए। तो दोस्तों ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। दोस्तों तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि पावर है तो पावर है। धन्यवाद।